जमीन का डिमार्केशन नहीं हो सका। गजब है विद्यालय, गजब है लोग, और चलता रहा विद्यालय, यूं ही चलता रहा। और इसीलिए हमें लगता है कि टीसी ले रहे थे बहुत से पेरेंट्स, लेकिन आज हमारा जो जमीन है वो 34 कनाल जमीन, माननीय जिलाधिकारी महोदय आज है यहां पर, उन्होंने सख्त आदेश दिया है कि यदि जो जमीन ले लिए हैं या जो जमीन नहीं दिया जाता है तो 25,000 रुपया पहले के हिसाब से पेनल्टी दे दी जाए। जितने की जमीन बन करके वहां रेडी होगा फिर हम आपको बुलाएंगे, तब एक साथ हम लोग फिर बढ़िया सा एक खुशी मनाएंगे। नहीं यार, देश में आवासीय व्यवस्था नहीं थी, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने, हमारे कमिश्नर साहब आदरणीय विनायक गर्ग साहब ने और कैप्टन उपायुक्त टीना थेर मैडम ने विद्यालय को समझा, समस्या को समझा। महोदय ने कहा था कि परमिशन तो 10th और 12th को है, देर हो चुकी है मोबाइल पे, हमें कोई पता नहीं हमारा बच्चा मोबाइल पे गेम खेल रहा है या पढ़ रहा है। जो ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है वो कम्प्लीटली फेल है, हर पेरेंट्स के पास एंड्रॉइड फोन मौजूद नहीं है, अगर एंड्रॉइड फोन दिए जा रहे हैं उसका मिस यूज होगा। इसी पे जांच चाहूंगा, खुदा हाफिज़। हो नहीं सकी तो इनका वेलकम करने के लिए हालात की वजह से यहाँ पहुँच नहीं सके, साबित कर लिया कि बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ता है, जो आर्ट के जरिए स्कूल में फिजिकली बच्चा पढ़ता है वो मोबाइल से नहीं पढ़ता है। मोबाइल पर बच्चा चाहे गूगल मीट हो चाहे जूम मीटिंग हो उसमें ज्वाइन तो रहता है, लेकिन बच्चे का फंक्शन अपना अलग रहता है। तो ये दर्शगाह में जो आपने काम किया तो मैं आपकी जितनी तारीफ करूं सर वो उतनी ही कम है। जो उस्ताद होते हैं, ये जो नए उस्ताद आए हैं ना, इनके लिए मैं थोड़ा सा दो चार शेर बोल देता हूं, मेरा दिल कह रहा है। तो इसी दर्शगाह में ये जो उस्ताद होते हैं हकीकत में यही कुंभ की बुनियाद होते हैं। तो मैंने देखा कि थोड़ो दात जब हम किसी की कामयाबी की, यानी कि हम सब उस्ताद, उसमें मैं भी उस्ताद हूं, मैं भी एजुकेशन में हूं, इसलिए हमें इसलिए लगाना पड़ गया कि हम आपके साथ शामिल हो गए, आपकी टीम में शामिल हो गए। कामयाबी की हर एक रोदात में यही मरकज़े किरदार होता है। ये रखते हैं शहरे इलम की हर राह को रोशन, ये यही मंजिल में पहुंचा कर यही कितने शाद होते हैं। अगर किसी उस्ताद का पढ़ाया हुआ के साथ ज्यादा जुड़ा हूं, और सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए उस वक्त हुई जब प्रिंसिपल साहब त्रिपाठी साहब यहां आए और इनके ख्यालात हमने सुने। मैं पेरेंट्स मीटिंग में, मैं पेरेंट्स एसोसिएशन की, दो पेरेंट्स एसोसिएशन में पहले ऑलरेडी एक सदस्य के तौर पर रहा हूं, और मैं जब प्रिंसिपल साहब से यहां पहले दिन मुलाकात की, हमारे पास एक अच्छा प्रिंसिपल, एक होनहार आदमी आ चुका है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये हुई कि कोरोना वायरस ने हमें घेर लिया। काम इन्होंने आज बताए हैं, इसकी डिमांड के लिए हमने एक दिन लड़ाई भी यहां की थी। हमने जो पहले यहां इंचार्ज प्रिंसिपल थे, हमने ऑफिस में उनको कहा था कि अगर आप ये डेवलप नहीं करोगे, क्योंकि मिलिटेंसी का दौर था कि अगर ये हमारी चार दीवारी नहीं होगी, कौन आदमी कहां से अंदर घुसता है हमें पता नहीं है, हम किसके सहारे इन बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं हमें कोई पता नहीं है, हमारा बच्चा कहां से बाहर जा रहा है हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि बींग ए पेरेंट्स, बींग ए बच्ची पेरेंट्स, बच्ची होने के, मेरी यहां बच्ची पढ़ती है, उस लिहाज से अपने माँ बाप को, अपनी बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल होता है। बेटे भी हमारे होते हैं लेकिन बच्चियों की हर तरीके से हमें देखभाल करनी होती है, तो उसके सहारे में हम अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ते हैं, लेकिन एक अच्छे प्रिंसिपल के सहारे में बच्चे पढ़ते हैं, ये खुशी हुई। जैनवी सुनको जनाब त्रिपाठी साहब, यू हैव वेल वर्स्ड अबाउट दिस पार्टिकुलर मीटिंग, सो यूज आर कंसर्न आई विल प्रेजेंट टू लाइन्स इन फेवर ऑफ टीचर्स। उस्ताद कौम की बुनियाद का मीनार होता है, उस्ताद इल्म के खिलाफ का मीनार होता है, चमन में नन्हे पौधों की यही करता है रखवाली, इससे हर जरा एक खाके वतन से प्यार होता है। इन्ना लिंसान लफी खुस्र, पैदा किए जाते हैं ये हर एक कौम की विरासत है,
आपके सामने यहाँ काफी पढ़े लिखे तबका के लोग आपके सामने आए, जिन्होंने अपनी बात आपके सामने अपने इल्म के मुताबिक रखी। उससे लेकर आज दिन तक हमें इस इलाके को जो पहाड़ी पीर पंजाल का एरिया है, हिंदुस्तान का आखिरी कोना जिसको पुंछ कहा जाता है, इसके अंदर हमें नफा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, हमें इसके ऊपर मुहासबा करना है। और आगे की जो बची हुई आने वाली मेरी और आपकी जिंदगी है, आने वाली नस्लों की जिंदगी है, उसके बारे में हमें अपना लाए अमल तय करना है। जो ये कमेटी बनाई गई